हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे फ्रेंड्स एस्टर 2023 के लिए हरियाणा जी की क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दी हैं जिसमें मैं आपको 500 प्लस वन लाइन सीरीज प्रोवाइड कर रही हूं इसमें आपके कंप्लीट जितने भी प्रिपेसर क्वेश्चन अब तक के एग्जामों में पूछे गए हैं कंप्लीट रहने वाले हैं संपूर्ण हरियाणा जी का निचोड़ आपका रहेगा ठीक है अगर आप ये सीरीज भी अच्छे से कर लेते हो तो यहीं से आपके सात से आठ नंबर हरियाणा स्टेट के एग्जाम में बन जाएंगे इसी के साथ बता दूँ आपके जो अन्य एग्जाम होंगे सी हो गया एच हो गया ग्रुप डी सी के लिए। सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लासेस पे एग्जामों में, में पूछे गए हैं और इनसे आपकी कंप्लीट एनर्जी के कवर हो जाएगी जो आपके नए क्वेश्चन में दो चार नंबर के पूछे जाते हैं उनके भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी दो तीन वीडियो वो सारे क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें एस्टेट के लिए मैं यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी कराने वाली हूँ मैंने सीडीपी साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें ये आपके रहना जी की क्लासेस रहेंगी इसी के साथ बता दूँ हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग की क्लासेज भी जल्द ही स्टार्ट मैं करने वाली हूँ जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी और बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगी तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास टू रहने वाली है इससे पहले क्लास वन डाल दिया जिसमें मैंने आपको फिफ्टी क्वेश्चन वन लाइनर कराए थे और अगले जो 50 क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड किए हैं इसी तरह से आपके पास 100 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो इनसे बाहर आपकी चीजें नहीं जाएंगी आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स वो है आपका हरियाणा के पहले राज्य पाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने समय रहा तो 7 महीने लगभग रहा था उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई तो, तो कुरुक्षेत्र जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है तो जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है आपको याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है तो राज्यपाल है ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है तो 700 से 900 फीट पर क्वेश्चन नंबर छे है चीनी यात्री हवे स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की चर्चा की गई थी तो थानेसर की चर्चा की गई थी उस पुस्तक में आपको याद रखना है उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे पहले <coughs> उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है तो दक्षिण पश्चिम भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है ठीक है उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो पंद्रह सौ छप्पन में पन जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी क्वेश्चन नंबर नाइन आपका रहेगा कौन से सिख गुरु स्वयं की सच्चा बादशाह के नाम से पढ़ते थे तो गुरु हर जी हैं जो स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पढ़ते थे क्वेश्चन नंबर टेन है प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है तो शादी के उत्सव पर प्रसिद्ध घोड़ा का नृत्य किया जाता है हरियाणा के अंदर हरियाणा का राज्य के पेड़ कौन सा है तो पीपल का पेड़ आपको याद रखना है ये तो कॉमन चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए तो नर नारायण गुफा कहां पर है तो यमुनानगर में नर नारायण गुफा हो जाएगी प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव महादे मंदिर कहां पर है तो जींद में है प्रसिद्ध भूतेश्वर महामंदिर अगर आपको अच्छे लग रहे हो ठीक है मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना और ना सिर्फ एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके जो भी एग्जाम होगा हरियाणा का जहां पे आपकी हरियाणा जी की आए सभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्लासेस उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हरियाणा हरियाणा की किस दिशा में यमुना बहती है तो पूर्वी दिशा हरियाणा की जो पूर्वी दिशा हो जाएगी उस दिशा में जो है यमुना नदी बहती है हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है तो पंडित लक्ष्मी चंद्र जी आपके सूर्य कवि के नाम से जाने जाते हैं हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं तो दस लोकसभा की और पाँच राज्यसभा की है याद रखना है इम्पोर्टेंट है तराइन की द्वितीय युद्ध ग्यारह सौ बानवे में किस शासक की हार हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी इसमें ग्यारह सौ बानवे के में और ग्यारह सौ इक्यानवे में ये जीत गए थे ठीक है ये भी आपको याद रखना किससे जीते थे मोहम्मद गौरी से उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पर मोरनी मोरनी होगा ये ठीक है मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है पंचकुला में मोरनी हिल्स स्थित है हरियाणा में लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो चौधरी वंशीलाल को हरियाणा के लोहो पुरुष के नाम से जाना जाता है साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है तो मेवात है हरियाणा जो आपका हरियाणा रहेगा उसकी साक्षरता की दर में सबसे नीचे है आपका मेवात तो साम हिल्स कहाँ पर स्थित है भिवानी में स्थित है कोटला झील हिल्स कहाँ पर है ठीक है तो ये मेवात में है कोटला झील हिल्स

मैं गुरुग्राम को मेडी सिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये भी याद रख लेना और जो एक मात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो गुरुग्राम गुरु में है गुरुग्राम को मेडी छी के नाम से जाना जाता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी पंद्रह में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपका जो रहेगा हरियाणा कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे तो चौधरी देवीलाल है जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी के नाम से जाना जा जाता है अंबाला ठीक है हरियाणा की विज्ञान नगरी कौन सा जिला माना जाता है साइंस सिटी के नाम से अंबाला को ब्लूबर्ड झील कहाँ पर स्थित है हिसार हिसार में हो जाएगी आपकी ब्लूबर्ड सिटी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है तो कुरुक्षेत्र में आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तैतीस है भारत किस दिशा में हरियाणा स्थित है सॉरी भारत किस भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है क्वेश्चन ये बनेगा तो उत्तर पश्चिम में है आपका हरियाणा भारत की जो दिशा है उसके अनुसार सरस्वती वन्य जीव अभियान का दूसरा नाम आपका सियोनेश्वर हो जाएगा ठीक है तिलहार झील कहाँ पर है रोहतक में आपकी तिलहार झील है तिल हार झील है ये ठीक है एक आध दो जो क्वेश्चन आपके मिस प्रिंट हैं वो मैं आपको ठीक करा दूंगी उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है हरियाणा की सबसे बड़ी उद्योगी की नगरी कौन सी है गुरुग्राम हेमचंद विक्रमादित्य हरियाणा के किस जिले से थे तो रेवाड़ी रेवाड़ी से थे आपको याद रखना है उसके बाद जो आपका थर्टी एट क्वेश्चन है मोगागढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है तो महेंद्रगढ़ में है ये मोगागढ़ की पहाड़ियाँ कुरुक्षेत्र तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है कुरुक्षेत्र में है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी 1956 में बनी उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है तो का का निवास याद रखना है हरियाणा क्षेत्रफल कितना है तो 44,200 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल रहेगा दमदमा झील जिल किस जिले में है गुरुग्राम में है राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र कहाँ पर है तो राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र जो है आपका हिसार केंद्रीय भेस अनुसंधान भी आपका हिसार में है ठीक है तो हिसार में है आपका अश्व शोध केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार में है ये भी एक और क्वेश्चन बन जाएगा उसके बाद पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य के पशु कौन सा है तो ब्लैक पक हरियाणा का राज्य के पक्षी कौन सा है तो काला तीतर ब्लैक फ्रोकोलिन इंग्लिश में कहा जाएगा उसके बाद हरियाणा के सॉरी हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो अट्ठारह में हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी क्वेश्चन नंबर आपका 48 रहेगा सर छोटू राम ने बकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की तो आगरा विश्वविद्यालय से सर छोटू राम ने बकालत की पढ़ाई शुरू की थी क्वेश्चन नंबर 49 है हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पठार कहाँ मिलता है तो सवाल की पहाड़ियों से मिलता है आपका चूने का पठार याद रखना है हरियाणा में उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है किस जिले में लाल चेष्ट मृदा पाई जाती है तो यमुनानगर में क्या पाई जाती है लाल चेष्ट मृदा पाई जाती है ये आज की क्वेश्चन है फिफ्टी क्वेश्चन इससे पहले आपके फिफ्टी कराए थे टोटल आपके हंड्रेड वन लाइन क्वेश्चन हो चुके हैं इसी तरह से आपके और क्वेश्चन आएंगे पाँच प्लस क्वेश्चन रहेंगे वीडियोज को लाइक जरूर कर देना ठीक है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जो भी आपके एस की तैयारी सीई आपका एस एस सी के अन्य एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहा है जहाँ पे हरियाणा जी की आई सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें लाइक like कर देना कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए आप सभी का धन्यवाद